नमस्कार दोस्तों, धूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज एक विशेष तरीके का एक वीडियो है जो रत्न के बारे में है। दोस्तों, रत्न शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके ग्रहों की चाल आपके लिए कुप्रभाव डाल रही है या फिर आपके जीवन में ग्रहों के अशुभ प्रभावों से अगर आपको बचना है तो रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। ऐसे में रत्न के साथ साथ रुद्राक्ष भी धारण करने की सलाह दी जाती है। अब जिस रुद्राक्ष की मैं बात कर रही हूँ वो है दो मुखी रुद्राक्ष की। जी हाँ, ये दो मुखी रुद्राक्ष जो भी इंसान अपने साथ रखता है, धारण करता है, नहीं तो अपने पूजा स्थान पर रखता है, और इसकी एक विधि होती है, इसे जो भी लेता है मैं उसे ज़रूर बता देती हूँ। उस विधि को ऐसे ओपन में नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं आज इसको आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगी, ठीक है ना। तो अगर चंद्रमा के जातक कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको लगता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, आप बहुत अच्छे स्पीकर नहीं हैं और आप लोगों के सामने अपनी भावनाओं को नहीं रख सकते हैं, लोग आपसे रूठ कर चले जाते हैं, और आप में जो आकर्षण होता है वो खास तौर पर प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, है ना, तो ऐसे जातकों को भी हम दो मुखी रुद्राक्ष रेकमेंड करते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष का संबंध सीधे सीधे चंद्रमा ग्रह से होता है। तो हमें पता है ना कि चंद्रमा का कनेक्शन हमारे मन के साथ होता है, तो हमारा मन जो है ना ये बड़ा चंचल है, तो इसे अगर पकड़ कर रखना है तो आपको कुछ रत्न होते हैं, जैसे मोती हो गए, जैसे कि फिरोजा हो गया, और जैसे कि ये दो मुखी रुद्राक्ष हो गया। ये रुद्राक्ष उनके जीवन में चार चांद लगाती है। कैसे? एक तो मन पर कंट्रोल हो जाता है, मन शांत हो जाता है, आकर्षण शक्ति बढ़ती है, आप बहुत अच्छे स्पीकर बन जाते हैं, और प्यार से जुड़ी हुई समस्याओं का अंत होता है, पैसा आने लगता है, क्योंकि चंद्रमा का कनेक्शन पैसे के साथ भी है। तो आप ऐसे में दो मुखी रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं। देखिए, इसकी एक विधि है जो मैं आपको बता दूं कि दो मुखी रुद्राक्ष ना वेजिटेरियन ही यूज करें। दो मुखी रुद्राक्ष ना जो लोग शाकाहारी है वही अपने साथ इसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप कभी भी रुद्राक्ष धारण ना कहें। इसे साक्षात शिव माना गया है और इसे धारण करने वाले व्यक्ति को थोड़ी सी सावधानी अपनानी पड़ती है। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में इसका एक दूसरा उपाय होता है कि अगर आप दो मुखी रुद्राक्ष को आप धारण नहीं कर रहे हैं तो इसे आप सीधे सीधे अपने घर के मंदिर में स्थापित कीजिए, अपने वॉलेट में स्थापित कीजिए, या फिर आप कहीं भी किसी विशेष कार्य में जाते हैं तो इसे अपने साथ रखिए, ठीक है। तो ऐसा करने से आपके जीवन में चंद्रमा से जुड़ी हुई, यानी चंद्रमा, रोमांस भी चंद्रमा ही देता है ना, तो ये रोमांस हो गया, लव हो गया, मनी हो गया, ये सारी चीज़ें चंद्रमा प्रदान करता है, और कॉन्फिडेंस भी है वो भी चंद्रमा ही हमें प्रदान करता है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों में किसी का दिल दुख जाता है, या फिर छोटी छोटी बातें किसी को हर्ट कर जाती है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा किसी का दुख नहीं देख पाते हो, छोटी छोटी बातों पर आप रो देते हो, तो ऐसे में आपके लिए दो मुखी रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा कारगर होता है। इसे पति पत्नी इसलिए इसे धारण कर सकते हैं, नहीं तो इसकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इसे साक्षात शिव पार्वती माना गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जिसके खास तौर पर मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, प्रेमी प्रेमिका में बहुत प्रॉब्लम है, और या फिर सदस्यों में प्रेम की बड़ी अभाव है, तो ऐसे में दो मुखी रुद्राक्ष आपको जरूर धारण या फिर स्थापित करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन को ये काफ़ी सुखी बनाता है। अगर आपको चंद्रमा से जुड़ी हुई परेशानियां, जैसे जल्दी जल्दी सर्दी खांसी हो गई, जल्दी जल्दी आपकी तबीयत बिगड़ती है, बुखार होता है तो जाने का नाम नहीं लेता है, और आपकी मानसिक संतुलन बड़ी बिगड़ी हुई लगती है, यानी कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो ऐसे में भी आपको दो मुखी रुद्राक्ष को धारण या स्थापित जरूर करना चाहिए। मैं ऐसी चीज़ें ही आपके समक्ष लाती हूँ जिनका अंदाज़ा आपको नहीं होता जब तक आप इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो ये दो चीज़ें अगर आपको लेनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और जेन्युइन चीज़ें ही हमारे पास मिलती है, सर्टिफाइड चीज़ें मिलती हैं। तो ये आज का वीडियो था, जो मेन टॉपिक था कि दाम्पत्य जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, या फिर धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, मन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, तो आपको फिरोजा
और दो मुखी रुद्राक्ष अपने पास जरूर रखने चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।